एपीएमसी के चेयरमैन एवं जिला भाजपा महामंत्री अजय शर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। अजय शर्मा ने सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू का अपने गृह जिला में कांग्रेसियों के संगठन को संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, जिससे कांग्रेस की अंत्यकला का बीजेपी के चुनावों में पूरा फायदा मिलेगा। एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि गत विधानसभा चुनावों में जनता को गुमराह करके जो कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीतने में सफलता प्राप्त की थी, आज पूरी तरह से गुटबाजी और अंत्यकलह में उलझ चुकी हैं। कांग्रेस का कोई नेता संस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो कोई संगठन की दुहाई देकर कांग्रेस टिकट पर जीते हुए विधायकों को कांग्रेसी मानने से ही इनकार कर रहा है। हमीरपुर कांग्रेस की नैया को अंतर्कलह ही ले डूबेगी। शर्मा ने कहा कि इस लड़ाई से जनता तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जिला के संगठन को संभाल नहीं पाए हैं। जिला के 2 नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। अजय शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश की जयराम सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर विकास के नाम पर जनता के बीच जाएगी, वहीं भाजपा के युवा सांसद अनुराग ठाकुर की उपलब्धियां भी कांग्रेस पर भारी पड़ेंगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा तथा सांसद भारत दर्शन व खेल महाकुंभ जैसे नए प्रकल्प पर चलाकर क्षेत्र की जनता को सुविधा और युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। वहीं कांग्रेस जिला हमीरपुर में गुटबाजी से उभर नहीं पा रही है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। चेयरमैन ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय सीट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाएगी। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, वहीं जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गुटबाजी और अंतर्कलह में उलझी हुई है। कांग्रेस के कुछ नेता संस्था के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं तो कुछ लोग संगठन की दुहाई देकर के जीते हुए विधायकों को ही कांग्रेसी मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस की इस अंतर्कलह से जिला हमीरपुर की जनता तंग आ चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इसी जिला से संबंध रखते हैं, वो जिला हमीरपुर में ही कांग्रेस के संगठन को संभाल पाने में पूरी तरह नाकामयाब हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की अंतर्कला का पूरा फायदा मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और हमें विश्वास है क्या आदरणीय अनुराग ठाकुर जी भारी मतों से जीत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस देश का नेतृत्व करें। इसके लिए जनता अपना जनादेश देगी।